क्योंकि इन लोगों के दिमाग में दुनिया में हजार जगह वॉर चल रही है, स्ट्राइफ है, भुखमरी है, सब कुछ है, यूएन वहां बैठ के इंडियन आइडल खेल रहा है। वहां उन्होंने तीन जज बिठा रखे, कोफी अन्नान, बुतरस घाली और अनु मलिक। और वहां आ रहे हैं लोग एक एक करके अपने देश का गा रहे हैं। अनु मलिक बोल रहा आग लगा देगा तू आ रहे। हम ऐसे क्यों? क्योंकि बचपन से हमको जो सबसे पहली चीज सिखाई गई है वो है कन्फॉर्मिज्म। सवाल नहीं पूछने, सवाल पूछते ही आप ट्रबल में आ जाओगे इस देश में। बचपन से हमको कल्चरली सिखाया गया है। इसका एक बहुत सिंपल सा साधारण सा एग्जांपल है हमारे देश में जिस तरह की सिक्योरिटी है, आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते भले आपको कंप्लीटली इलॉजिकल लगे, है ना। आप मॉल में जा रहे हो, तीन सिक्योरिटी रिंग होते हैं। पहला होता है वो बैग में बॉम्ब ढूंढ रहा, उसको नहीं मिला, 15 साल से कुछ नहीं मिला, उसका इंसेंटिव रुका हुआ है, वो चिड़चिड़ा हो चुका है। लेकिन आप पूछ नहीं सकते उससे, वो जैसे कई बार नहीं वीकेंड में बहुत भीड़ होती है तो वो ऐसे जल्दी जल्दी चेक करके, एक बार उसने बाहर से ऐसे देखा, ऐसे दबा के देखा, मैंने धीरे दबाओ फट जाएगा। बोला आप आओ साइड में। क्या बोला आपने? मैंने बोला मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जस्ट। बोला नहीं आप अपने बॉस को बुलाया, मेरी ग्रिलिंग हुई। बोला आपने ऐसे कैसे बोला? नहीं मैं जनरली एज अ कंसर्न्ड सिटीजन पूछ रहा हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या है। बोला आपको मतलब से क्या करना है? बोला अच्छा सिंपल बताओ मेरे को, आपका स्टेप टू क्या अगर आपको बॉम्ब मिला तो? डंडा उस आदमी के हाथ में, वो क्या ऐसे करके बोला नहीं आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो, आप फॉलो नहीं कर रहे रूल। मैंने बोला रूल की बात नहीं है भैया, मेरे को बता ना इसका होने क्या वाला, आप बताओ। अच्छा मेरे को यही बता दे, कौन टेररिस्ट होगा जो बैग में बॉम्ब लेके आएगा फिर लाइन में लग जाएगा? एज अ टेररिस्ट क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? ये थोड़ा सा अच्छा पकड़े गए तो पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े गए तो ना। बोला नहीं आप ये सब बकवास मत करो, आप आगे से ये सब मत पूछा करो। ठीक है भाई, फिर स्टेप टू आता है जो सेकंड रिंग, वो मेटल डिटेक्टर। पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट मैं उसमें से लेके गया हूँ। एक की आवाज आती है टू। मैंने उससे पूछा अच्छा अंकल ये बताओ असली बॉम्ब जाएगा तो कौन सी आवाज आने वाली आपको पता? बोला आप आओ साइड। मैं पूछ रहा हूँ भैया लॉजिक सिंपल। बोला ना ना ये सब बकवास है। स्टेप थ्री वेयर दे फ्रिस्क यू, दे गेट फिजिकल वॉट एवर विद यू एंड दे आर वेरी गुड एट इट। ऐसे ऐसे फोड़े ढूंढे उसने मेरी बॉडी में, बोलता आपकी गांड में फोड़ा। मैंने बोला ओके अब से मैं हेल्थ चेकअप के लिए यहीं आया करूँगा। उसमें भी आपने देखा लेडीज के लिए अलग से ऐसे पर्दे लगाए हुए हैं, उसमें वो जाती हैं, कर्टन लगा हुआ है, मर्दों का खुले में दबा दो। हमारी कोई इज्जत नहीं है। मैंने बोला आप ले लो 500 रुपए, हमारे लिए एक पर्दा लगवा दो, क्या प्रॉब्लम था? मैंने दिए 500। बोला ये तो डिमोनेटाइज हो चुका है। नहीं हो मतलब, और उसमें क्या हो रहा है? आई हैव नो आइडिया। आई हैव सीन वुमेन गो वेरी सीरियस एंड कम आउट स्माइलिंग। आई डोंट नो।
लेकिन आप सवाल नहीं पूछ, आप नहीं पूछ, वो होटल आप जाओ तो वो कार के नीचे वो ऐसा मिरर लगा के देख रहा है कि भैया कार के नीचे बॉम्ब। मैं साले 80s की फिल्म का विलेन हूँ क्या? नीचे बॉम्ब लगा के क्यों आऊँ? मैंने बोला उसको कि सर बॉम्ब लाना होगा, मैं सीट पे रख लूंगा। बोला आप उतरिए फिर। जस्ट मेटाफर है यार, समझो ना बात को यार, ऐसे सीधा ले ले तो पकड़ ले। बोला नहीं ये सब आप बकवास नहीं कर सकते, सब क्या है ऐसे नहीं बोल। ठीक है यार मैं मजाक, जब मुझे ये इल्म होता कि समझा के नहीं होता, आप चोरों नहीं समझा सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते, बेसिक है। एयरपोर्ट पे मैं सिंघाड़े लेके आ रहा था, फिर बॉम्बे आ रहा था। सिंघाड़े आपको पता है वो पानी फल, वाटर चेस्टनट, अमीर लोग वाटर चेस्टनट जानते होंगे, मिडिल क्लास लोग सिंघाड़ा जानते होंगे। 30 रुपये किलो होता है वाटर चेस्टनट बोल के 800 रुपये की डिश देते हैं, उसमें दो होते हैं काट के छोटे छोटे, तो नाम से ही बड़ी इज्जत बदल जाती है देश में ना। अमीरों की बम होती, गरीबों की गांड होती, सिंपल है। अमीर वाटर चेस्टनट खाते हैं, गरीब जो है सिंघाड़े खाते हैं। तो हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने बोला चल मैं लेके चलता हूँ। ये आया मैं एयरपोर्ट पे, घर लिया, उन्होंने बोला ये नहीं ले जा सकते। मैंने बोला सर ये तो सिंघाड़े हैं, आप जानते हो ये फ्रूट है। बोला ना इसका ना छिलका बड़ा शार्प एजेज होते हैं थोड़े से, नॉट अलाउड, शार्प ऑब्जेक्ट्स नॉट अलाउड। मैंने बोला आर यू किडिंग मी, ये फ्रूट है आप भी जानते हो, आपके शहर का फेमस फ्रूट है। बोला ना ना ना, रूल इज़ रूल, शार्प एजेज नॉट अलाउड। मैंने बोला आप बताओ मैं कितना चूतिया लगूंगा अगर मैंने सिंघाड़े से प्लेन हाईजैक कर लिया। मतलब क्या मेरा क्या किस तरह का प्लान है मेरा? अगर सच में हाईजैक करना हो किसी को, वो 2 साल ट्रेनिंग लेगा, सीखेगा, है ना, मार्शल आर्ट से लेकर प्लेन उड़ाने से लेकर प्लान होगी, टीम होगी। ये नहीं कि भैया सुबह सब्जी मंडी गए, सिंघाड़े दिखे, आज हाईजैक कर लेते हैं। पक्का मिले हमें। बोला सर वो सब मेरे को नहीं समझ आ रहा, आप बताओ हम कितने चूतिए लगेंगे अगर आपने सिंघाड़े से हाईजैक कर लिया। मैंने बोला तो क्या बोल रहा है? बोला आप नहीं ले जा सकते। मैंने बोला क्यों नहीं यार, इतना अच्छा फ्रूट है, आप क्या कोई सोल्यूशन दो। बोला आप ऐसा करो छील दो ले जाओ। क्या? कसम हमारे होम मिनिस्टर जी की, मैंने एयरपोर्ट पे बैठ के 2 किलो सिंघाड़े छीले हैं। और वो खत्म हुए तो कोई साला 2 किलो मटर रख के चला गया। उसको लगा फ्री सर्विस मिल रही है। थैंक यू, यू गाइस हैव बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वाओ यार अमेजिंग। मैं इसका एक्सप्रेशन में देख रही हूँ, एक बंदे बोल रहा है, एक हंसी नहीं, ठीक है, ऐसे ही से बस हुआ ये मेरे साथ हादसा, ऐसा लाइक ना एक फील करवा रहा था कि ऐसे सच में इस बंदे का दुआ है। नहीं हुआ भी होगा यार, इसके जैसे बोलने के तरीके से ऐसा लगा भी रहा था कि मतलब वो बिल्कुल हंसी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो अपना दुख सुना रहा है बस। उसी का भी तो है, आकाश गुप्ता का जो एक्सप्रेशन ही नहीं है फिर भी हंसा देता है। इसमें भी सेम चीज हुई, आकाश गुप्ता ना वो एक्टिंग भी कर लेता है, समझ में, कि मतलब उस तरीके से ना वो जैसे अगर कुछ बना है चीके तो वो रिएक्ट करता है। ये तो बिल्कुल सीरियस बातें की हर कॉमेडियन का जो है ना क्रिएटिविटी होती है, वो उस तरीके से भी हंसाते हैं, सीरियस रह के भी हंसा लेते हैं, तो ये सबकी अपनी क्वालिटी होती है। बाकी ये अपनी जगह है, मतलब बहुत मजा आई यार मुझे तो। और मुझे लगता है कि हम और भी जो ना देखेंगे। फर्स्ट टाइम देखी ये, फर्स्ट टाइम मैंने करूँ की फर्स्ट टाइम देखी, क्योंकि मुझे नाम से ऐसा लग रहा था कि यार मैंने घर पे बैठ के देखी होगी, उस पर देखी हो तो मुझे रिकॉल हो रहा है उस पर। बाकी ये था कि यार मजा बढ़िया, इनका अंदाज भी कुछ अलग था, बड़ा मजे का था। और अब नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे इनकी भी जो है ना रिएक्शंस दें, ताकि जो है ना हम इन पे भी जरा सा और आप लोग भी प्लीज हमें बताएं कि इनकी है जो हम मजा आए टॉपिक अच्छी है, कोई भी हो मतलब, तो हमें ज्यादा मजा आए देखने में भी और इस पे रिएक्ट करने में भी। तो आई होप गाइस आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।